एवरीवन, हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है जिसमें हमने टोटल 35 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ठीक है, 35 क्वेश्चन तक हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जितने भी क्वेश्चन थे साइटोलॉजी चैप्टर के, यानी कि कोशिका विज्ञान चैप्टर के, वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, चूज द कोड लिस्टेड बिलो डिपिक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मियोटिक प्रोफेज, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से सही क्रम के नीचे दिए गए कूट की मदद से चिन्हित कर सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, यानी कि आपको सीक्वेंस बताना है जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो मियोसिस होती है, उस प्रोसेस में जो प्रोफेज का जो सही सीक्वेंस है, किस स्टेप में रिएक्शन होती है, आपको वो बताना। ठीक है, वो सीक्वेंस आपको बताना है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला दिया है डिप्लोटीन स्टेज, दूसरा लेप्टोटीन, तीसरा डायकाइनेसिस और चौथा दिया पैकेटिन। ठीक है, इन चारों के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए, सीक्वेंस ये सही होगा या ये आपको क्या लग रहा है सही, आपको इसका आंसर जो है बताना है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, डायकाइनेसिस जो होता है वो लेट सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, डायकाइनेसिस तो लास्ट में होता है, तो जाहिर सी बात सी तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, इतना आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो क्या आता है, लेप्टोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले तो बी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, पैकेटिन आता है, तो पैकेटिन आ जाएगा, इसका डी नंबर पे है। उसके बाद क्या था, उसके बाद आता डिप्लोटीन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ए, फिर आता है डायकाइनेसिस। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसका सीक्वेंस हो जाएगा बी डी ए सी, ये ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा उसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, बी डी ए सी इसका सही आंसर है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, एक इसमें जो होता है पाँच स्टेप जो ये होता है मियोसिस वन का, जो प्रोफेज वन होता है, इसमें पांच स्टेप टोटल देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है वो होता है लेप्टोटीन, मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो पहला होता है लेप्टोटीन स्टेज, दूसरा होता है जाइगोटीन स्टेज, तीसरा होता है पैकेटीन स्टेज, चौथा होता है डिप्लोटीन और पाँचवा जो होता है वो होता है डायकाइनेसिस। ठीक है, याद रखिएगा ये होता है एल जी पी डी डी। ठीक है, एल जी पी डी डी होता है। ठीक है, ये चीज़ रखिए, ये इसका मतलब सीक्वेंस होता है जो प्रोफेज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, क्रोमेटिड्स जॉइंटेड टूगेदर बाय अ डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड क्रोमोमियर इज कॉल्ड, ऐसे क्रोमेटिड जो द्विगुणीकृत परंतु अविरत सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं कहलाते हैं। तो देखिए आप क्रोमेटिड अगर याद होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका बना था, ये क्रोमेटिड था, याद आ रहा कुछ, जब हमने ये पढ़ा था सेल थ्योरी पढ़ी थी हमने, तो क्या देखा था हम लोगों ने सेल डिवीजन के दौरान, ऐसे देखा था क्या बना था, पूरा ऐसा स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है एक क्रोमेटिड, ये होता दूसरा क्रोमेटिड, ये होता तीसरा क्रोमेटिड, ये होता चौथा क्रोमेटिड। ठीक है, चार क्रोमेटिड होते हैं, ये जो ऊपर के दोनों होते हैं ना, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड, ये सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, आपस में क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। तीसरा और चौथा क्या है, ये भी एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, याद रखिएगा, और बीच में इसके होता है सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसे क्रोमेटिड जो द्विगुणीकृत परंतु अविरत सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, दोनों क्या है द्विगुणीकृत, यानी कि इसकी बात कर रहा है, इन दोनों की बात कर रहा है, जो ऊपर सीक्वेंस में या फिर नीचे दोनों है। ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलॉगस कहलाते हैं, एलील्स कहलाते हैं या वाइवेलेंट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सही, वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये कैसे होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं इनको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, ऐसे क्रोमेटिड जो द्विगुणीकृत होते हैं, द्विगुणीकृत मतलब क्या होते हैं, जो डुप्लीकेट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों साथ में है ना, ये दोनों एकदम सीक्वेंस में सेम होते हैं। देखिए अगर मान लीजिए क्रोमेटिड ऐसा हो कि साइज देखिए ऐसे मतलब दिया, साइज डिफरेंट हो सकता है ना, तो ये तो होगा फर्स्ट और सेकंड, ये का साइज हमेशा दोनों का सेम होगा, और इनका साइज क्या होगा, इसके सेम होगा, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि डुप्लीकेटेड, यानी कि जो एक दूसरे के यहाँ द्विगुणित हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे के समान दिखाई दे रहे हैं, बट वो क्या है, सेंट्रोमियर के द्वारा सेपरेट हैं एक दूसरे से, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। ठीक है, तो कोशिका की खोज आपको पता होगा सबसे पहले किस में की गई थी, कॉर्क सेल में की गई थी। कॉर्क सेल क्या था, लकड़ी का बना हुआ एक ढक्कन होता है जो बॉटल पे लगा होता है। तो क्या था, देखा गया था उस ढक्कन के ऊपर क्या थे, कोशिकाएं उपस्थित थी। तो कॉर्क जो लकड़ी का कॉर्क बना हुआ था, जाहिर सी क्या है, ये प्लांट यानी कि पौधे से कॉर्क बना होगा, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कोशिका जो थी वो किसने देखी थी, वो देखी तो रॉबर्ट हुक ने थी, लेकिन जिस भी चीज़ में देखी थी वो कैसी थी, वो नॉन लिविंग थी। ठीक है, ऐसी थी नॉन लिविंग थी, क्योंकि पेड़ पौधे को जब काट दिया जाता है उसकी लकड़ी
जब सूख जाती है तब उससे बनता है कॉर्क, ठीक है। तो कोशिका कैसी देखी थी ना, नॉन लिविंग यानी कि मृत कोशिका देखी थी। याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले खोजा, बट इन्होंने कैसी कोशिका देखी थी, मृत कोशिका देखी थी, और किसमें देखी थी, पौधों में यानी कि प्लांट में। तो यहाँ से आपके दो तीन क्वेश्चन तैयार हो जाते साथ में कि सबसे पहले किस तरह की कोशिका खोजी गई। तो सबसे पहले मृत कोशिका खोजी गई, किसने खोजी थी, रॉबर्ट हुक ने खोजी थी। और अगर पूछता है कि वो मृत कोशिका कौन सी थी, तो पौधे की थी, पौधे के कार्क में देखी गई थी, ठीक है, कॉर्क में। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है सबसे पहले जंतु कोशिका की खोज हुई कि पौधे की कोशिका की, यानी कि पादप कोशिका। तो सबसे पहले पादप कोशिका की खोज हुई थी, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर ये होगा। अगर हम बात करें ऊपर इनके जो ऑप्शन दिए गए रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की, ठीक है, याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी केंद्र की खोज की थी, कब की थी, 1831 में की थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करें एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की, तो मृत कोशिका की खोज जो होती है यानी कि सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। बट अगर हम बात करें एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की, जो कि बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि बैक्टीरिया के फादर जो है बैक्टीरियोलॉजी के, इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम सेल की बात करें, तो मैं सेल के बारे में बता दूँ इनका योगदान क्या है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो थे ना, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है, मृत कोशिका की तो रॉबर्ट हुक ने कर दी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। कहाँ पर की थी, जो ये क्या बोलते बैक्टीरिया वगैरह होते तालाब के अंदर, उसमें इन्होंने खोजा था, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्होंने जीवित कोशिका की, अगर प्रश्न आता है कि लिविंग सेल की खोज सबसे पहले किसने की, तो वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। और जिस कोशिका की खोज की थी वो कैसा था, एनिमल था, यानी कि जंतु कोशिका था, ठीक है। तो सबसे पहले जंतु कोशिका किसने खोजा था, लीवेनहॉक ने खोजा था। तो इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सबसे पहले जंतु कोशिका की खोज किसने की, तो जंतु कोशिका याद रखिएगा लीवेनहॉक ने की थी। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जरूर अपने दिमाग में याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 39। हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि सबसे पहले किसने समझाया कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, यानी कोशिका की उत्पत्ति किससे होती है, जो पहले से मौजूद कोशिकाएं हैं उनसे होती है, ये बात सबसे पहले किसने बताई थी। पहला है रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की खोज की थी, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा है रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोशिका की खोज की थी, वो भी कैसे, मृत कोशिका की, तो ये भी गलत हो जाएगा। थियोडोर स्वान, अगर थियोडोर स्वान कौन थे, एक तो स्वान थे और एक थे स्लाइडन, ठीक है, इन दोनों का नाम आप प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वान और स्लाइडन जो थे दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी दी थी। स्वान और स्लाइडन, स्वान क्या होता है, एक पक्षी का नाम होता है स्वान ना, तो याद रखिए पक्षी क्या होता है, एनिमल होता है। तो जंतु विज्ञान की मतलब जो जंतु कोशिका होती है उसके बारे में स्वान ने बताया था, और जो पादप कोशिका होती है उसके बारे में स्लाइडन ने बताया, स्लाइडन ऐसे लिखते हैं स्लाइडन, ठीक है। तो स्वान और स्लाइडन तो उससे संबंधित हैं। अगर बात करूँ रुडोल्फ वर्चो की, तो इन्होंने बताया था जो पूर्ववर्ती कोशिका होती है, यानी कि जो पहले से मौजूद कोशिका होती है उसी से नए कोशिका की उत्पत्ति होती है, ये बात रुडोल्फ वर्चो ने बताई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, रुडोल्फ वर्चो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पर सीक्वेंस गलत हो गया, चलिए कोई नहीं, हम लोग इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बात करते हैं क्या, कौन सा क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल्स इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, यानी कि निम्न कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, यानी कि निम्नलिखित जो क्वेश्चन आपको दिए गए ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। पहला हरित लवक, हरित लवक तो पाया ही जाता है, ये तो 100% से, और क्योंकि बिना इसके प्रेजेंस के पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे। सेंट्रियोल, ये जो होता है नहीं पाया जाता, ठीक है, ये सिर्फ जंतु कोशिका में होता है। स्म्यूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गॉल्गी एपरेटस भी पाया जाता है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रियोल जो होता है वो सिर्फ होता है एनिमल के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंट्रियोल जो कि सेल डिवीजन के टाइम में आपने देखा होगा स्पिंडल फाइबर बना रहा था, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो किसने देखा था, नंबर वन फ्लेमिंग, नंबर दो वेंडा, नंबर तीन पॉटर, नंबर फोर क्लाउड। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, उसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी पॉटर, ठीक है। पॉटर ने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था, याद रखिएगा पॉटर, ये नाम भूलिएगा मत, हिंदी में लिखते हैं पॉटर, ठीक है, हो गया। चलिए फ्लेमिंग की अगर हम बात करें, फ्लेमिंग जो थे, ये जो फ्लेमिंग थे इन्होंने प्लेसिलिन खोज की थी, किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। ये क्या होता है, फंजाई होता है पेनिसिलिन, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम है, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, एक एंटीबायोटिक होता है ना, अपने जब आप फंजाई पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे पेनिसिलिन के बारे में, ठीक है। तो ये तो उससे संबंधित है। बेंडा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने, ठीक है। तो यहाँ से उनका नाम याद रखिएगा। और पोर्टर ने क्या किया था, सर्वप्रथम किसको देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था, ठीक। अब आते क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट टेक्स प्लेस, यानी कोशिका चक्र की किस अवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन होता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो दिया जीरो फेस, जी जीरो फेस, दूसरा है जी वन फेस, तीसरा जी टू फेस, चौथा है एम फेस। देखो जी जीरो फेस में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर तो पहला तो हो ही नहीं सकता, ये तो 100% श्योर है पहला नहीं होगा इसका आंसर। देखो जीवन जो जी जीरो फेस होता है ना, ये जो होता है इसमें कोई भी चीज़ नहीं होती ना, इसमें सेल डिवीज़न होता है, यानी कोशिका का अगर विभाजन की बात करें तो इस दौरान क्या होता है, कोशिका का विभाजन भी नहीं, तो कुछ भी नहीं होता जी जीरो फेस में, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें जीवन की, तो जीवन में कल की क्लास में मैंने बता दिया आपको, इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। ये चीज़ है प्रोटीन का प्लस किसका, प्लस आरएनए का, ठीक है। प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है जीवन फेज में। और जी टू फेज क्या होता है, ये प्रिपरेटरी स्टेज होती है, यानी कि ये तैयारी करता है। इस फेज में क्या होती है, तैयारी होती है माइटोसिस डिवीजन के लिए और किसके लिए, मियोसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस जो भी रिएक्शन होने जा रही है उसकी यहाँ पर तैयारी होती है जी टू फेज में। और साथ ही साथ इसी अवस्था में मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणन भी होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का और हरित लवक का, ठीक है। अगर प्लांट से ला तो उसमें हरित लवक होगा, अगर नहीं है तो उसमें हरित लवक नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक का जो गुणन होता है यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो जी टू फेज में देखने को मिलता है, क्योंकि एम का मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन। यहाँ पर सेल डिवीजन होता है और हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का सेल डिवीजन कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मगर अगर आपको यहाँ ऑप्शन में जी टू की जगह इंटरफेज दे देता, ठीक है, तो इसका आंसर आप इंटरफेज लगाते। क्यों, क्योंकि जी जीरो फेज, जी वन, जी टू और एस फेज, ये तीनों फेज किस में आ जाते हैं, इंटरफेज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 का क्या कहता है, सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज, कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है। सेल विदाउट सेल वॉल यानी कि ऐसी कोशिका जो बिना सेल वॉल के हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहला क्या है, पहला ऑप्शन दिया आपको साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हो नहीं सकता। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इसके बारे में, देखिए क्या होगा, देखिए प्रोटोप्लास्ट होता क्या, जैसे ये हमारी क्या है, कोशिका है, ठीक है। अगर हम इसको मान लें कोशिका, मैं इससे ड्रॉ करती हूँ, ये मान लीजिए कोशिका है, रफ कर देती हूँ फिर आपको बताती हूँ अच्छे से, ये क्या है कोशिका है, ठीक है। ये दूसरी, ये क्या है, इसके ऊपर जितने वॉल थे मैं बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होती है, ये होती है सेल वॉल, ठीक है। याद रखिए कि सेल वॉल होती है, सेल वॉल के नीचे जितनी भी चीज़ें होती हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ये पूरा होता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। पूरा का पूरा क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो इसमें क्या कर रहा है, सेल विदाउट सेल वॉल, ऐसे सेल जिसके जिसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है। तो सेल वॉल को भी इंक्लूड अगर हम कर लें इसमें, तो यही पूरा क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है। पूरा का पूरा कोशिका जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी आ जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ जा रहा है, साइटोप्लाज्म सब कुछ आ जा रहा है, न्यूक्लियस हर एक चीज़ इसमें आ जा रही कवर, ठीक है। इसके ऊपर कोई वॉल होती ही नहीं है, तो ऐसा क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्म के ऊपर तो वॉल होती है ना, सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन में। अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगी, बट उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है, यानी कोई ना कोई मेम्ब्रेन तो है ना। अगर प्लांट है तो सेल मेम्ब्रेन भी होगी और सेल वॉल भी होगी, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगर बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट होता है एक लवक होता है, लवक का मतलब एक प्लास्टिड होता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, जो फलों के रंग होते हैं, फूलों के रंग होते हैं, उसको रंग प्रोवाइड करता है। जैसे फूल कैसे होते हैं, लाल पीले होते हैं ना, तो उनका कलर जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक। और अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो ये हरित लवक होता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, स्टेम का रंग हरा होता है, और पौधे अपना भोजन बनाते हैं इसकी वजह से, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये तीन ऑप्शन तो आपको पता है रीज़न क्या है, चौथे का ऑप्शन नहीं पता, क्योंकि चौथे का आंसर हमने आपको समझा दिया क्या होता है। इसके बाहर कोई भी वाला नहीं, तो क्योंकि पूरा सेल का जितना भी बाहर से अंदर का पार्ट होता है सब कुछ इंक्लूड करके ही प्रोटोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 43।
इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोमल एंड न्यूक्लियर डिवीजन रेस्पेक्टिवली आर, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रीय और केंद्रीय विभाजनों की संख्या कितनी होती है। यानी कि जो माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, उसमें गुणसूत्र का विभाजन और केंद्र का विभाजन कितनी बार होता है ये पूछा जा रहा है। एक एक बार होता है कि एक और दो बार होता है, दो दो बार होता है, या दो और एक बार होता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो पहले हम समझ लेते हैं इसमें होता क्या। जो समसूत्री विभाजन होता है, सबसे पहले इसमें होता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब जो होता है वो होता है इसका मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न, ठीक है। जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा यानी केंद्रक का डिवीज़न होता है, उसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोश का द्रव्य का विभाजन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें कैसे सीक्वेंस में होता है। तो एक बार होता है कैरियोकाइनेसिस और एक बार होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन में एक बार आपको कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है गुणसूत्र का विभाजन होता है, और एक ही बार क्या होता है केंद्रक का विभाजन भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, वन एंड वन, एक एक बार दोनों का डिवीजन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स पजेस अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल जीवद्रव्य कला युक्त होता है, ठीक है। आपको इसका आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोप्लास्ट, नंबर दो लाइसोसोम, नंबर तीन माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर फोर न्यूक्लियस। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके इनमें कितनी मेम्ब्रेन होती है, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि किस कोशिकांग में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इस ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, कितने होते हैं इसमें, दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल लेयर ये कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसमें भी दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियस जो होता है, इसमें भी दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्योंकि पूरी कोशिका के अंदर सिर्फ यही तीन ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जिसके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। ये कैसे होता है, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, और इन तीनों को खुद का डीएनए भी होता है, ये चीज़ भी साथ में ध्यान रखिएगा, और खुद का आरएनए भी होता है, वो भी 70S टाइप का, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्बर होता है, कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गॉल्गी बॉडी, ये सब कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस। इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 क्या कहता है, द सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल प्लेट फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टली का निर्माण हेतु उत्तरदायी कोशिकांग कौन है। यानी कि जो सेल प्लेट बनती है कोशिका डिवीजन के समय, जब आपने देखा होगा सेल प्लेट बन रही थी, उसमें किस कोशिकांग का मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है या फिर मुख्य भूमिका होती है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए आपको, नंबर एक है क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक कहते हैं, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका, तीसरा है गॉल्गी बॉडी, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा गॉल्गी एपरेटस, क्योंकि आपने देखा होगा इसी से क्या होता है, कैल्शियम पेक्टेट निकलती है, जिससे क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इनमें जो वेसाइकल्स होते हैं उसी के हेल्प से, गॉल्गी बॉडी जो होती है उसमें वेसाइकल्स पाए जाते हैं, तो उसके वेसाइकल की वजह से क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गॉल्गी बॉडी। गॉल्गी बॉडी जो होती है वो सेल डिवीजन के दौरान सेल प्लेट बनाने में सहायता करती है, ठीक है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 46 की, द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज, कोशिका चक्र का नियमित अनुक्रम क्या है, एस G1, M G2, या फिर ये है ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर डी है। तो अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, अब देखिए आपको चारों दिख रहे हैं, ठीक है, पूरे का पूरे दिया गया, आपको सीक्वेंस बताना है आपको सेल साइकिल का, या फिर सेल डिवीजन का नहीं पूछा, पूरे सेल चक्र का। अगर आपको याद हो कुछ ऐसे चक्र बना हुआ था जिसमें क्या दिखा था हम लोगों ने, ऐसे था, ये था एम फेज, यहाँ पे आपको क्या दिखा था, यहाँ पर G1 फेज था, यहाँ पर क्या था S था, यहाँ पर क्या था G2 फेज था, ठीक है। सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक जाता है, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा G1, फिर आ जाएगा S, फिर G2, फिर आएगा आपका M। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला तो गलत है, दूसरा, हाँ दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, G1, S, G2, फिर M होता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 कहता है, कियाज़मेटा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग, कियाज़मेटा सबसे पहले किस समय दिखाई देते हैं। आपने पता पढ़ा होगा, जब हम लोगों ने पढ़ा था मियोसिस, यानी कि जब हम लोगों ने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था, तो हमने उसमें देखा था कियाज़मेटा का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो अगर हम बात करें कियाज़मेटा कब बनता है, तो सबसे पहले मियोसिस वन होता है, ठीक है। और मियोसिस वन के दौरान क्या होता है, प्रोफेज वन होता है, ठीक है। क्या होता है,
प्रोफेज वन। इसी प्रोफेज वन में कितनी उपअवस्थाएँ होती, 5 उपअवस्थाएँ होती हैं, लेप्टोटीन, पैक्टिटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, 5 अवस्थाएँ होती हैं ना। तो अगर हम बात करें लेप्टोटीन की और पैकेटीन की, जाइगोटीन और डिप्लोटीन की, तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये डी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी, डिप्लोटीन। जो डिप्लोटीन होता है ना, कियाज़मेटा जो होते हैं इसमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट की लेप्टोटीन की, तो लेप्टोटीन में क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है वो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, यानी क्रोमोसोम जो होता है इसमें, जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसकी सहायता से हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं लेप्टोटीन स्टेज में, ठीक है। क्योंकि प्रोफेज की स्टार्टिंग लेप्टोटीन से होती है, तो क्या होता है क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप से देखें तो हमको दिखाई देगा, ठीक है, लेप्टोटीन में ये होता है। अगर हम बात करें जाइगोटीन की, तो जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, वो पेयरिंग हो जाते हैं, यानी कि जोड़ी बनाने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहीं पे अगर एक चीज़ और बात करें हम लोग इसके, मतलब ये जो पैकेटीन आपको दिया गया, पैकेटीन में क्या होता, तो पैकेटीन में होता क्रॉसिंग ओवर बन जाता, ठीक है, यानी क्रॉसिंग ओवर होने लगता। जैसे ये हुआ है, ये क्रोमोसोम दोनों हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, ठीक। तो क्रॉसिंग ओवर कब देखने को मिलता है, ये दिखता है पैकेटीन स्टेज में, ठीक। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होगा, गुणसूत्र कैसे हो जाएंगे, पेयरिंग में हो जाएंगे जाइगोटीन अवस्था में, और डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, कियाज़मेटा दिखने लगता है, यानी कि ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ थोड़ा सा खिसक के यहाँ पे एंड पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है, वहीं पर कियाज़मेटा क्या होता है, दिखने लगता है, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल इज कॉल्ड, वैक्यूल के चारों ओर उपस्थित कला कहलाती है। ये क्वेश्चन सर मैं कल भी लिया था, आज फिर आ गया। तो ऑप्शन नंबर है साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म तो कोश का द्रव्य होता है, एक फ्लूड होता है, तो ये किसी की कोई मेम्ब्रेन तो हो नहीं सकती, ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें एमाइलोप्लास्ट की, ये भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। इलायोप्लास्ट की बात करें, ये भी मेम्ब्रेन है। टोनोप्लास्ट, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोनोप्लास्ट। तो जो वैक्यूल्स होती हैं उसकी जो चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, क्या कहता है 49 क्वेश्चन नंबर। व्हेन 30S एंड 50S कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम कंबाइन, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, दैट इज, जब राइबोसोम के 30S और 50S अपघटक संयोजित होते हैं तो जिस राइबोसोम का पुनर्निर्माण होता है वो कौन होता है, ठीक। आपने देखा होगा राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, दो होते हैं ना, एक तो होता है 70S, दूसरा होता है 80S, ठीक है। 70S और 80S जो होते हैं इनके भी सब यूनिट पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ 70S की, तो इसके दो सब यूनिट क्या होते हैं, अगर हम बात करें क्या क्या होते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक तो आपका आ जाएगा 50 और एक आ जाएगा 30, ठीक है, ये दो सब यूनिट होते हैं। अगर बात करें 80S की, तो 80S का कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका 60 और एक कितना हो जाता है आपका 40 हो जाता है, ठीक है, ये सब यूनिट है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, 30S दिया और 50S दिया, ठीक है। 70 जो होता है ना, 7 क्या होता है ऑड नंबर होता है, 8 क्या होता है इवन, तो 70 ऑड नंबर है, इसके जो यूनिट होते हैं वो भी ऑड नंबर है, 5 और 3। 80 में क्या होता है, 8 जो होता है इवन नंबर होते हैं, उसके यूनिट जो होते हैं वो भी इवन में होती है, ठीक है। 40 दिया है या फिर 3 दिया, याद रखिएगा। तो 50 और 30 दिया, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, 70S इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 50 क्या कहता है, द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स, प्रोकैरियोटिक अनुवांशिक तंत्र में होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनमें क्या होते हैं ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, ये जो होते हैं इनमें अनुवांशिक तंत्र क्या होता है, यानी कि अनुवांशिक जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन, डीएनए अथवा हिस्टोन, यानी कि दोनों में से कोई एक, या फिर हिस्टोन रहित डीएनए, यानी कि बिना हिस्टोन के डीएनए, ना तो डीएनए ना तो हिस्टोन, यानी कुछ भी नहीं पाया जाता। तो देखिए पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि डीएनए और हिस्टोन दोनों नहीं पाए जाते, आखिरी भी गलत क्योंकि दोनों में से एक ना एक पाया जाना जरूरी है, बिना जेनेटिक मटेरियल के इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा और ना ही नया मटेरियल यानी कि नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो पाएगा, ठीक है। तो पहला और आखिरी ऑप्शन जो है वो तो गलत हो जाएगा। अब हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो इसमें सही क्या हो जाएगा, तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है हिस्टोन रहित डीएनए, डीएनए होता है वो भी कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कैसा होता है, तो होता है सर्कुलर डीएनए, यही सर्कुलर डीएनए जो होता है वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया जो होते हैं या फिर प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें डीएनए जो होता है सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और हिस्टोन रहित, उसमें प्रोटीन जो होता है हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बट डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन 51 क्या कहता है, डीएनए डबल्स एट, यानी कि डीएनए द्विगुणन कब होता है, इंटरफेज में,
प्रोफेज में, मेटाफेज में या फिर टीलोफेज में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए कब डबल होता है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ उसका आंसर का, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। एस फेज में इसका होता है, ठीक है, कब होता है, एस फेज में इसका डुप्लीकेशन, यानी कि अगर देखा होगा अपने डीएनए का सिंथेसिस कब होता है, एस फेज में होता है। अब आपको आंसर इन चारों में से बताना है कौन सा हो सकता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन 52 देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन 52 कहता है, इन मियोसिस द मैक्सिमम शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अर्धसूत्री विभाजन, के किस अवस्था में गुणसूत्र सबसे छोटे और मोटे हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें जो गुणसूत्र होते हैं किस अवस्था में सबसे छोटे और मोटे हो जाते हैं। तो ऑप्शन की अगर बात करें, पैकेटिन की बात करें, डिप्रोटीन, मेटाफेज और या डायक्रेसिस की बात करें, तो देखिए इन तीनों की बात करें अगर हम, ये तीनों तो प्रोफेज वन के हैं। ठीक है, किसकी बात करें, ये तीनों प्रोफेज वन के ही स्टेप हैं। ठीक है, तो जो गुणसूत्र छोटा और बड़ा होता है ना, वो प्रोफेज वन में ही देखने को मिलता है। ठीक है, साइज़ का जो डिफरेंस होता है देखने को, प्रोफेज वन में देखने को मिल जाता है हमें। तो अगर हम बात करें इसका, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये तो गलत हो जाएगा, पहले गलत होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें लेफ्ट, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है लेप्टोटीन की, ठीक है, जहाँ पर क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट होते हैं। फिर पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, फिर इसमें मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है, कियास मेटा बनने लगता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डायकाइनेसिस की और डिप्लोटीन की, तो ऑप्शन नंबर बी या डी में एक सही होगा। तो अगर हम बात करें इसमें सही आंसर की, तो हो जाएगा वो डिप्लोटीन। ठीक है, डिप्लोटीन क्या होता है, ये स्टेज जो होती है लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, किसकी, प्रोफेज वन की लास्ट स्टेज होती है डिप्लोटीन स्टेज। ठीक है, तो इस लास्ट स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं क्या होता है, ऐसे आपने देखा होगा ऐसे क्रॉसिंग ओवर होता है दोनों के बीच। जब क्रॉसिंग ओवर होगा फिर क्या होगा, कियास मेटा बन जाएगा। कियास मेटा जब बन जाते हैं तो लास्ट में क्या होता है, ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, डिप्लोटीन स्टेज में क्या होती है, क्रोमोसोम की थिकनिंग यानी कि मोटाई बढ़ जाती है, और क्या हो जाता है, छोटे, ये छोटे हो जाते हैं, शॉर्टनिंग यानी कि बहुत छोटे हो जाएंगे और उनकी मोटाई जो होगी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, डिप्लोटीन। चलिए बाकी क्वेश्चन 53 की बात करें। क्वेश्चन 53 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स माइट बी फाउंड इनसाइड अदर ऑर्गेनेल, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अन्य कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। पहला है केंद्रक, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है ट्रांसपोर्ट वेसाइकल यानी कि स्थानांतरित वेसाइकल। अब देखो इसमें अगर हम बात करें आंसर की, माइटोकॉन्ड्रिया तो हो नहीं सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है किसी भी सेल ऑर्गेनेल के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, अगर बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम भी किसी सेल ऑर्गेनेल के अंदर नहीं पाया जाता, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर लगा जरूर होता है लेकिन किसी कोशिकांग के अंदर नहीं मौजूद होता। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल की बात करें तो ये तो होगा क्योंकि स्थानांतरित वेसाइकल है, क्या कर रहा है, ये पदार्थों का स्थानांतरण करता, तो ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो न्यूक्लियस केंद्रक जो होता है, ये बहुत सारी हर एक कोशिका के लगभग क्या होता है, अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होता है मोस्टली कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक यहाँ पर जो ऑप्शन दिया न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस खुद एक सेल ऑर्गेनेल है, यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए न्यूक्लियोलस, क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोलस केंद्रिका होना चाहिए, न्यूक्लियोलस होना चाहिए, क्योंकि जो न्यूक्लियोलस होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, केंद्रक तो खुद ही एक सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो इसको प्लीज़ करेक्ट लीजिए, केंद्रिका होगा। ठीक है, इसका आंसर केंद्रिका, यहाँ पर न्यूक्लियोलस आना चाहिए और केंद्रिका आना चाहिए, न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या खुद ही एक केंद्रक हो, मतलब एक सेल ऑर्गेनेल है, तो इसका अलग से आंसर लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, केंद्रिका, क्या हो जाएगा, केंद्रिका हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस, ऐसे लिखते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा 53 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था क्या है। तो बात करें प्रोफेज वन है, प्रोफेज टू है, मेटाफेज वन है, मेटाफेज टू है, सबसे बड़ी अवस्था क्या होती है इसकी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि हमने माइटोसिस पढ़ा था, माइटोसिस में सबसे बड़ी अवस्था जो थी वो प्रोफेज थी, बट मियोसिस में प्रोफेज वन के साथ दो भी होता है, इसलिए कन्फ्यूजन बहुत आता है। बट याद रखिएगा, प्रोफेज वन जो होती है मियोसिस की, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती है, और सब समसूत्री विभाजन जो होता है वहाँ पर भी सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज ही होती है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन 55 पे। तो क्वेश्चन 55 क्या कहता है, मेन फंक्शन ऑफ गॉल्गी बॉडी इज, यानी गॉल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है, फर्मेंटेशन करना यानी किण्वन करना,
किण्वन में क्या होता है, किण्वन में जैसे कि आपने देखा होगा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है, सिरके का फॉर्मेशन होता है ना, ये किण्वन के द्वारा ही होता है। फास्फोराइलेशन होता है यानी कि फास्फोरिलीकरण होता है जैसे एटीपी का फॉर्मेशन। ग्लाइकोसिलेशन होता है, तो ग्लाइकोसिलेशन होगा कि नहीं। नेक्स्ट क्या, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्लाइकोसिलेशन होता है, ठीक है, ग्लाइकोसिलेशन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्लाइकोसिलेशन, ठीक है। ये होता है गोल्गी काय का मुख्य कारण। बात करते हैं गोल्गी बॉडीज इन्वॉल्व इन, तो गोल्गी बॉडी संलग्न है प्रोटीन सिंथेसिस में, सेल सिक्रेटरी प्रोसेस में यानी प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका स्रावी प्रक्रिया में, पार्टिकल मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, एक भाग से दूसरे भाग में कण के चलन से, सिनेप्सिस यानी कि सिनेप्सिस में, ठीक है। सिनेप्सिस मतलब दो चीज़ों को जुड़ना। तो गोल्गी बॉडी किस में इन्वॉल्व होती है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है राइबोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन नंबर ये पहला नहीं हो सकता, ठीक है, कन्फर्म है। इसका आंसर क्या, कोशल सिक्रेटरी प्रोसेस, हाँ, कोशिका स्रावी प्रक्रिया करता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, क्योंकि क्या करता है ये स्रावी, ये एक स्रावी अंग है, क्योंकि जब प्रोटीन बनता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर की सतह पर बनता है, राइबोसोम बनाते हैं, तो वो ट्रांसफर होकर पहुँच जाता है गोल्गी बॉडी के पास, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसको सिक्रीट कर देता है, जिससे पहुँच जाता है लाइसोसोम के पास, और लाइसोसोम जो होता हुआ ये सेल मेम्ब्रेन में और बाकी ऑर्गेनिज्म में पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये सिक्रेटरी का काम करता है यानी कि स्रावी, कोशिका स्रावी का काम करता है, यानी कि किसी भी पदार्थ को अगर बन गया तो उसका सिक्रीशन करने में गोल्गी बॉडी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। देखते क्वेश्चन 57, माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि सूत्री विभाजन जो होता है, समसूत्री विभाजन, इसकी खोज किसने की थी, आर ब्राउन ने की थी, दूसरा है डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी, तीसरा स्ट्रास बर्गर ने की थी, और चौथा यानी कि डी है ए वीजमैन ने की थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो ये जो डब्ल्यू फ्लेमिंग है ना, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने जो थी वो माइटोसिस की खोज की थी, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, माइटोसिस की खोज की थी 1882 ईस्वी में, ठीक है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन 58 क्या कहता है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित में से किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो अगर हम बात करें क्रॉसिंग ओवर की, सबसे पहले हम बात करेंगे मियोसिस होता कितने फेज में, तो मियोसिस वन होता है, मियोसिस टू होता है, मियोसिस वन में होता है प्रोफेज वन, प्रोफेज पांच अवस्थाओं में डिवाइड। तो पहला होता है लेप्टोटीन, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पैकेटीन, यहाँ पर दिया, हाँ दिया, पैकेटीन होता है, जाइगोटीन तीसरा होता है, चौथा होता है, ऑप्शन दिया कि नहीं, हाँ डिप्लोटीन, चौथा होता है डायकाइनेसिस, पांचवा होता है डिप्लोटीन, ऐसे स्टेजेस में डिवाइड होता है, ठीक है। लेप्टोटीन में आपने देखा होगा क्रोमोसोम दिखाई देने लगता है, पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो क्या हो जाती है, इनमें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, क्रॉसिंग ओवर यहीं स्टार्ट होता है। फिर जो होता है क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, बात करें हम लोग कियास्मेटा बनने की, तो कियास्मेटा जो होते हैं वो दिखाई कब देते हैं आगे जा करके, इसके बाद डिप्लोटीन आता है, हाँ डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज में आपको कियास्मेटा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, क्रॉसिंग ओवर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैकेटीन, ठीक है। पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए इज फाउंड इन, यानी कि आरएनए का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है वो कहाँ देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है साइटोप्लाज्म, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा आरएनए कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन यानी कि आरएनए का अधिकतम सांद्रण कहाँ पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम के अंदर, ठीक है। राइबोसोम के अंदर क्या होता है, आर आरएनए पाया जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम के अंदर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है आरएनए का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम सही हो जाएगा। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 60 की, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है राइबोसोमल आरएनए यानी कि आर आरएनए, यहाँ पर इसको थोड़ा कटिंग कर दो, हाँ, इस सिंथेसाइज्ड इन, राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है कहाँ पर होता है, न्यूक्लियोलस में होता है, न्यूक्लियोसोम में होता है, साइटोप्लाज्म में होगा, या फिर राइबोसोम के अंदर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो पहले मैं इसके आंसर से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, साइटोप्लाज्म इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो होता है
वो कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, जो फ्लूड हो जिसके अंदर सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, ये हो नहीं सकता, न्यूक्लियोसोम भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब आता ऑप्शन नंबर ए और डी, इसी में एक होगा। अब देखो जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम के अंदर जो होता है आरआरएनए पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन से मिलकर के और किससे मिलकर आरआरएनए से मिलकर बना होता है, ठीक। लेकिन राइबोसोम जो होता है वो आरआरएनए का फॉर्मेशन नहीं करता, क्यों, क्योंकि आरआरएनए से मिलकर ही तो क्या होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो अगर क्वेश्चन ये आता कि आरआरएनए से क्या बना होता तो राइबोसोम, इसका आंसर ये सही हो जाता। बट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया राइबोसोम आरआरएनए का संश्लेषण कौन करता है, यानी कि आरआरएनए का फॉर्मेशन कौन करता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये करता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, अगर हम बात केंद्रक के अंदर ये भाग पाया जाता है, ये एक ठोस भाग होता है न्यूक्लियोलस, तो केंद्रिका जो होता है वो आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है और राइबोसोम का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आरआरएनए का स्टोरेज भी करता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, यहीं पर आरआरएनए यानी कि राइबोसोम आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और भी जितने भी क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। और आपको अगर कोई भी डाउट लगता है, फिर क्वेश्चन मतलब जैसे भी आपको लग रहा कि सही है जिस तरह मैं बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने का तरीका कुछ सही नहीं लग रहा आपको, तो वो भी बताइएगा प्लीज़, ठीक है, थैंक यू।